हेलो दोस्तों, मैं अमनदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मल्टीपल टेबल्स में डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, व्यू करते हैं और डिलीट करते हैं। तो आज हम बताएंगे कि स्टॉक को ऐड और अपडेट कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वो जाके देख लें। हम यहाँ पे शो करेंगे ये कौन सी प्रीव्यू है। डेटा सेट सिम डॉट कमरा सिम वन डॉट कमरा करेंगे इंसर्ट इनटू, ये हमारा डेटाबेस है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मास्टर है, इसको एज ए प्रोडक्शन में लेना है और ये स्टॉक का टेबल है। प्रॉपर्टी भी दे कॉपी किया, टेबल नेम को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके कॉलम लेते हैं, फर्स्ट कॉलम प्रोडक्शन आईडी, रो आईडी मींस प्रोडक्शन आईडी, सेकंड है रो नेम मींस प्रोडक्ट नेम, थर्ड है क्वांटिटी, फोर्थ है यूनिट,
अंडर ग्रुप, एचएसएन कोड, वैल्यूज, डाटा टाइप वर्चर, लेंथ 10, टेक्स्ट प्रोवाइडेड और टेक्स्ट, टेक्स्ट प्रोवाइड। सेकंड है टेक्स्ट प्रो नेम, क्वांटिटी का है टेक्स्ट क्वांटिटी, यूनिट का है टेक्स्ट यूनिट, अंडर ग्रुप का है टेक्स्ट यू ग्रुप मींस अंडर ग्रुप, और एचएसएन कोड का है टेक्स्ट एचएसएन। तो यहाँ पे आएगी क्वांटिटी वाले की डबल कोटेशन मार्क, क्योंकि ये फ्लोट है। टेक्स्ट क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट यूनिट डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट यू ग्रुप डॉट टेक्स्ट मींस अंडर ग्रुप, और लास्ट वाला आ गया टेक्स्ट एचएसएन कोड डॉट टेक्स्ट, सॉरी एचएसएन डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे अपडेट, टेबल नेम है हमारा स्टॉक, सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी, क्योंकि इसको ऐड करना है हमें स्टॉक में, प्लस टेक्स्ट क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट कॉमा टेक्स्ट यूनिट डॉट टेक्स्ट कॉमा
text hsn dot text और यहाँ पे आएगा where pro id means product id is equal to text provide dot text आमतौर पे आईडी पे डबल कोटेशन मार्क ही चलता है, ये सिंगल वाला नहीं चलता, लेकिन हमने यहाँ पे ये वर्चर 10 लिया हुआ है, यहाँ पे फ्लोट नहीं लिया हुआ है। क्वांटिटी ऐड करते हैं स्टॉक में, अपडेट करते हैं। तो अब हमने ये वाली की है, तो अब करते हैं ये बेल्जियम टच। बेल्जियम टच का कितना है 62 मीटर। करते हैं प्रो आई डी 00002 बेल्जियम टच। यहाँ पे हम 48 मीटर देखते हैं। प्रोडक्शन 5111 अभी 62 है और यहाँ पे भी एंट्री बढ़ेगी और ये क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। ये इसको करते हैं सेव। तो दोस्तों ये सक्सेसफुली ऐड हो गई है, 110 हो गई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा
नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो एक एंट्री और करते हैं। सक्सेसफुली 100 हो गई और यहाँ पे भी एंट्री आ गई। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलते हैं, अगली वीडियो में हम बताएंगे कि मल्टीपल रोज कैसे सेव करते हैं डाटा ग्रिड व्यू के जरिए। तो आप दीजिए इजाज़त। ओके बाय।